पतंजलि के खिलाफ दुष्प्रचार की। जी हाँ, इस पर बोले हैं आचार्य बालकृष्ण, ने कहा कि पतंजलि के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा। रामदेव के सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने कहा है कि पतंजलि के खिलाफ दुष्प्रचार और षड्यंत्र की असलियत आ गई है सामने। टेस्ट लैब से निकलवाई गई रिपोर्ट के बाद असलियत सामने आई है। सोशल मीडिया में शेयर की जा रही फर्जी रिपोर्ट, पतंजलि के घी को खोलकर उसमें मिलावट की गई, मिलावट वाला घी सैंपल टेस्ट के लिए दिया गया। रिपोर्ट में सैंपल के सामने से अनसील्ड हटा दिया गया। पतंजलि को बदनाम करने की साजिश रच रही है विदेशी कंपनियां। तो सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है फर्जी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। आचार्य बालकृष्ण ने खुद डाली है रिपोर्ट, पतंजलि के घी को खोलकर उसमें मिलावट की गई। आचार्य बालकृष्ण ने कहा, ये देखिए रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, पतंजलि के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई। और इस मामले पर आचार्य बालकृष्ण भी बोले, उन्होंने कहा है कि टेस्ट लैब से निकलवाई गई रिपोर्ट के बाद असलियत आई सामने। ये देखिए ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो पहले तो आप देखिए अनसील्ड रिपोर्ट क्या थी, और उसके बाद रिपोर्ट के बाद जब छेड़छाड़ की गई तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स में मिलावट की बात सामने आई। तो एक मामला नहीं, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि पतंजलि के प्रोडक्ट में मिलावट की गई है, या फिर जो मानक मात्रा है उसमें कहीं ना कहीं बताया कुछ गया है और है कुछ। इस पर अब आचार्य बालकृष्ण ने बोला भी, उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कोई दुष्प्रचार कर रहा है, पतंजलि के खिलाफ कोई दुष्प्रचार कर रहा है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट्स है वो सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि टेस्ट लैब से निकलवाई गई रिपोर्ट के बाद ये पूरा का पूरा सच सामने आ गया। सोशल मीडिया में ये फर्जी रिपोर्ट भी शेयर की जा रही है, पतंजलि के घी को खोलकर उसमें मिलावट की गई, और उसके बाद जब उसे टेस्ट के लिए लैब भेजा गया तो फिर रिपोर्ट वही आनी थी मिलावट वाली। लेकिन अब इसका सच खुल चुका है, यह दावा किया गया आचार्य बालकृष्ण की तरफ से। ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, ये अनसील्ड रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वहीं रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर प्रोडक्ट के अंदर मिलावट दिखाई गई है। तो आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट के खिलाफ कोई दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग हैं जो उनके प्रोडक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां इसमें शामिल हैं, ये आचार्य बालकृष्ण की तरफ से कहा गया है। तो टेस्ट लैब से ये रिपोर्ट्स निकलवाई गई हैं और उसके बाद ये असलियत सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया में ये फर्जी रिपोर्ट्स शेयर की जा रही हैं, पतंजलि के घी को खोलकर उसमें मिलावट की गई। ये दो रिपोर्ट आपके सामने, दोनों रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर डाली गई है। आचार्य बालकृष्ण की तरफ से इन रिपोर्ट्स को सोशल मीडिया पर डाला गया है, ये बताने की कोशिश की गई है किस तरीके से उनके प्रोडक्ट्स तो नॉर्मल हैं, ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट आती है लैब से, उन रिपोर्ट्स में मिलावट की बात सामने आती है। तो वो इन रिपोर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश हो रही है। आपको बता दें रामदेव के सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि से में ये प्रोडक्ट बनते हैं और इन प्रोडक्ट में मिलावट की बात सामने आई। एक तरफ अनसील्ड लिखा हुआ है, दूसरी तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये देखिए अनसील्ड रिपोर्ट जो है उसमें सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वहीं जब रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ होती है तो नॉर्मल नहीं बताया जाता। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो फर्जीवाड़ा जरूर हुआ है इन रिपोर्ट के साथ। असल में पतंजलि 800 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करता है, खाद्य उत्पाद बनाता है, और उसको लेकर कई बार ऐसे मामले सामने आए कि जब पतंजलि के खाद्य पदार्थों में मिलावट की रिपोर्ट सामने आई। अब इसको लेकर आचार्य बालकृष्ण दावा कर रहे हैं कि दरअसल प्रोडक्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सेफ है सबके लिए, लेकिन रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, पतंजलि के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। हमारे साथ खुद
बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आचार्य बालकृष्ण जी, आखिर ये फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है? आप जिन रिपोर्ट्स के जरिए दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, प्रोडक्ट्स नॉर्मल है, ये सब आखिर कैसे? देखिए, ये रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ भी है, प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया जा सकता है, पिछली बार किया गया है। जी जी, ये एक तरह से षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किस किस लेवल पर षड्यंत्र हो रहा है हम कह नहीं सकते। इसके अंदर बहुत सारे एमएनसी हो सकती हैं, बहुत सारे जो देश के गद्दार हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट, बढ़िया कम मूल्य पर मिले, या स्वदेशी की स्थापना हो इस देश के अंदर। ऐसे लोग इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, हमको ये प्रतीत होता है। और रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, पहले जानबूझ करके इंटेंशनली ही खोले हुए डिब्बे का वो एक तरह से सैंपल बना करके, यानी कि पतंजलि के घी के अंदर में दूसरा कोई सामान या घी में मिलावट करके वो लैब में ले जाया जाता है। जब लैब के अंदर में उसको ये दिया जाता है कि ये अनसील्ड था, ये खुला हुआ डिब्बा था, तो उस खुले हुए डिब्बे का अनसील्ड वाले को मिटा दिया जाता है। अच्छा, किया जाता है जी। कौन पतंजलि के खिलाफ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? और एक सवाल ये भी कि आप ये रिपोर्ट्स कैसे बाहर लेकर आ पाए, जब ये खुलासा हुआ कि हाँ, रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, प्रोडक्ट्स नॉर्मल है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनका षड्यंत्र वो हमारे विरुद्ध नहीं है, उनका षड्यंत्र है स्वदेशी के विरुद्ध, उनका षड्यंत्र है देशवासियों के विरुद्ध। मैं ऐसा मानता हूँ, देश के लोगों को अच्छी चीजें मिल रही है, वो नहीं चाहते हैं कि अच्छी चीजें मिले, वो नहीं चाहते हैं कि देश का जो स्वदेशी का अभियान है वो इस बड़े रूप में स्थापित हो। इस तरह के जो कुत्सित मानसिकता वाले, जो घृणित और निम्न स्तरीय सोच वाले लोग इस तरह के कुत्सित हरकतें करती हैं, और इनके पीछे इनके जो आका हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी का बड़े लेवल पर सह उनको मिला हुआ है, उनका कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ मिला हुआ है जिसके द्वारा इस तरह की हरकतें करने में वो सफल है। परंतु देशवासियों का विश्वास है, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, तो हम इन हरकतों पर कभी भी किसी भी तरह से पतंजलि असफल होने वाला नहीं है। और ये जो लैब की जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, वो षड्यंत्र पूर्ण ही रिपोर्ट तैयार करने के लिए वहां गया था वो व्यक्ति, जो भी गया था, खुला हुआ जो है उसने डिब्बा दिया है रिपोर्ट के लिए। इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, कहीं कुछ भी ले जाकर के कोई भी रिपोर्ट बना देता है। और ये रिपोर्ट लैब भी जो होते हैं, इस तरह की जो संस्थाएं होती है, वो भी कहीं ना कहीं इन षड्यंत्रों में शामिल होती है, क्योंकि हमारे लोग गए, प्रेशर डाला, तो उसके बाद उसने कहा कि हमने तो अनसील्ड का रिपोर्ट दिया था। तो ये क्योंकि इसके लिए हमको सबको सावधान रहना चाहिए। इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इस तरह की एजेंसियां हैं, कोई ऐसे हरकतें करता है या उनके पास आता है, तो उनको कम से कम पतंजलि के संदर्भ में एक बार विचार करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई, रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है।